रोहित शर्मा ने तोड़ा 56 साल पुराना रिकॉर्ड। रोहित शर्मा का बड़ा धमाका। क्रिस गेल के बाद ऐसा करने वाले दुनिया के एक लौते बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने धमाकेदार शतकीय पारी खेली है। शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने टीम के लिए उपयोगी पारी खेली है। इंग्लैंड के खिलाफ शतक जमाने के साथ ही रोहित ने वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिस गेल की बराबरी कर ली है। रोहित ने चेन्नई टेस्ट के पहले दिन दूसरे सेशन में खेल में अपना शतक पूरा किया। टेस्ट में वनडे पारी खेलते हुए उन्होंने 130 गेंद पर उन्होंने शतक जमाया। 14 चौके और 2 छक्के की मदद से रोहित ने इस पारी में नाबाद 7वां टेस्ट पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में उनका यह पहला शतक है। इस शतकीय पारी की बदौलत रोहित ने वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल की बराबरी करने में कामयाबी हासिल की है। रोहित शर्मा ने की क्रिस गेल की बराबरी। इंग्लैंड के खिलाफ अब रोहित शर्मा के नाम क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इससे पहले सिर्फ वेस्ट इंडीज के ओपनर क्रिस गेल ही ऐसे बल्लेबाज थे जिनके नाम यह खास उपलब्धि थी। अब रोहित ने भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है। 4 देशों के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक। रोहित के नाम अब 4 देशों के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने का अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। टी20 में 4 शतक बनाने वाले रोहित दुनिया के एक अकेले लौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने चेन्नई में शतक बनाने के साथ वह इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। रोहित शर्मा की इस शतकीय पारी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।